नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कसाना जी टेक्निकल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Realme 5i का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम इसका स्क्रैच टेस्ट करेंगे, फिर इसका बैंड टेस्ट करेंगे और सबसे लास्ट में हम इसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। और आगे भी इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं Realme 5i का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। हेयरलाइन स्क्रैचेस इसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ आपको स्क्रैच दिखाई जाएंगे। सामान्यतः आपको यहाँ स्क्रैच दिखाई देंगे, हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं इस पर। दोस्तों इस पर जो स्क्रैच आ रहे हैं वो विजिबल हैं, आप अपने नेक आईज से इसको देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया जरूर है कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन ये नहीं कहा है कौन से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोस्तों और इसका बैक साइड चेक कर लेते हैं। वैसे तो आप देख रहे होंगे आसानी से स्क्रैच आ रहे हैं, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है तो इस पर आसानी से इस पर स्क्रैच आ जाते हैं। अगर हम देखें तो Realme की जो ब्रांडिंग है यह भी आसानी से निकल जा रही है। इसके बैक साइड में आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अच्छा सा केस यूज करना होगा, जैसे कि आपके मोबाइल पर पीछे की साइड में स्क्रैच ना पड़ पाए। दोस्तों अब हम कैमरा देख लेते हैं। वैसे तो ये स्टील फील हो रहा है, लेकिन मुझे तो ये प्लास्टिक लग रहा है। प्लास्टिक है, आपको बता दूँ प्लास्टिक है, या आप देख रहे हैं किस तरह का छल्ला एकदम से बन जा रहा है। प्लास्टिक है, बड़ा ही गहरा पैंट लगाया हुआ है जो स्टील की तरह लग रहा है। वैसे भी बजट फ़ोन में स्टील वगैरह नहीं मिलती है, प्लास्टिक है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके कैमरे पर स्क्रैच देखते हैं लगा करके। दोस्तों जो कैमरा का फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, वह आसानी से निकल जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ग्लास है, कैमरे का जो ग्लास है, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं। दोस्तों अब हम इसका फ्रेम चेक कर लेते हैं। वैसे तो पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है। पॉलीकार्बोनेट के जो फ्रेम होते हैं वो फोन की ड्यूरेबिलिटी के लिए ठीक होते हैं। इसका पेंट अच्छे से लगाया हुआ है। अब देख सकते हैं पेंट को बड़े अच्छे से लगाया है, गहरा पेंट है, आसानी से निकल तो नहीं रहा है, लेकिन पेंट है, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है, इसलिए निकल जा रहा है। होता क्या है कि जब आप के फ़ोन से कोई तार तार चीज़ टकरा जाए या आप कोई हार्ड केस यूज़ करते हैं तो उस समय आपके जो फ़ोन के पेंट है उसको निकलने के चांस रहते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन के फ्रेम पर जो निशान लग जाते हैं। दोस्तों अब हम इसके बटन्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम बटन, एज यूजुअल प्लास्टिक के हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कट जा रहे हैं। देखिए इतना घटिया तरीके से लगाया हुआ है कि इसका जो बटन है वो बाहर निकल गया है। पीछे भी एक दो फ़ोन में मैंने Realme के में ये चीज़ देखी थी कि इसके जो बटन्स हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, पूरा तो नहीं निकल रहा है लेकिन ये बटन निकल गया है। ये आप देख लीजिए, ये देखिए ये बटन निकल गया है। ये चीज़ जो बजट सेगमेंट फ़ोन है उसमें फिक्स करनी होगी कंपनी को। ये देखिए मैं इसको भी देखता हूँ,
ये भी निकल गया। इतने हल्के बटन लगाए हुए हैं, आप देखेंगे निकल गया है, फाइनली निकल गया है। क्या करना चाहता है रियलमी, समझ से परे है। पावर बटन देख लेते हैं, ये भी प्लास्टिक का है, आशा है निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा मजबूती से लगाया हुआ है, ये नहीं निकल रहा है, लेकिन लेकिन आपके वॉल्यूम बटन जो हैं वो दोनों निकल गए हैं। ये देखिए ये भी निकल गया है, केवल नाखून से निकल जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम स्पीकर ग्रिल चेक करते हैं। मुझे तो प्लास्टिक की फील हो रही है, कट जा रही है। बहुत ही घटिया स्ट्रक्चर कंपनी ने यूज किया है, ऐसा लगता है जल्दी में फोन को बना दिया है। कहीं भी कुछ भी चीज व्यवस्थित नहीं लग रही है। स्पीकर पे हाथ मार रहे हैं वो निकल जा रहा है, पावर बटन्स पे हाथ मार रहे हैं या वॉल्यूम अप डाउन बटन पर हाथ मार रहे हैं तो वो निकल जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कंपनी ने क्या सोच के इस फोन को जल्दी में बना दिया है। मुझे लग रहा है हर महीने जो फोन लॉन्च करने का इरादा है रियलमी का, उसको आगे बढ़ाते हुए एक जल्दी से फोन ले आए हैं बजट सेगमेंट में, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कंपनी को आगे भुगतना पड़ सकता है। यह फोन बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है अब तक जितना मैंने इसको चेक किया है। चलिए दोस्तों, अब इसके टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं इसका बेंड टेस्ट। मुझे उम्मीद नहीं है कि यह बेंड टेस्ट में भी पास हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो बहुत बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। छोटे छोटे टेस्ट में ये फेल हुआ है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इस टेस्ट को पास कर पाएगा। सबसे पहले हम आगे की साइड से करते हैं। इस साइड से तो ठीक है, कोई भी फ्लैक्स दिखाई नहीं दे रहा है। बैक साइड से फ्लैक्स तो नहीं है। एक बार फिर से आगे की साइड से कर लेते हैं। दोस्तों, बैंड के मामले में तो ये फोन ठीक है, बैंड नहीं होता है, लेकिन जो इसके बटन्स वगैरह लगाए गए हैं कंपनी के द्वारा, उनमें यह पूरी तरह से फेल होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और इसका फाइनल फाइनल टेस्ट करते हैं, ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट शुरू करने से पहले दोस्तों एक नज़र यहाँ जरूर डाल लें, पेंट प्लास्टिक निकल चुकी है, इसको जरूर देख लें। मुझे नहीं लगता है कि 9,000 रुपये इस फोन में डाले जाएं, अब तक का मेरा जो रिव्यू है उसके हिसाब से। दोस्तों, अभी तक रियलमी 5i हमारे स्क्रैच टेस्ट में पास नहीं हुआ है, क्योंकि इसके स्क्रीन पर भी स्क्रैच आए हैं और बैक पैनल पर भी, और जो साइड में इसकी जो बॉडी है, जो फ्रेम है, वो भी इसका पॉलीकार्बोनेट का है, उस पर भी इसके फ्रेम पर स्क्रैच आए हैं। तो चलिए अब हम इसका ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे ड्रॉप टेस्ट सरवाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकाल रहे हैं और पॉकेट से निकालते समय आपका मोबाइल गिर जाए, तो उस समय बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। यहां से इंपैक्ट हुआ है, अब हम अपर साइड से गिरा लेते हैं। अभी तक हमारा फोन ठीक से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं है। कैमरे की साइड से गिराते हैं, पॉकेट हाइट से। इस तरह के टेस्ट में हम देखते हैं कि कैमरे पर अक्सर जो कैमरे का ग्लास है वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहां इस तरह का कुछ भी नहीं है, अभी सब ठीक है। अब हम इसका स्क्रीन टेस्ट करेंगे, स्क्रीन की तरफ से गिराएंगे पॉकेट हाइट से। कोई
कोई भी बाउंस नहीं हुआ है, लेकिन स्क्रीन अभी भी चालू है, फोन ठीक से काम कर रहा है। दोस्तों थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं और बात करते समय आपका जो फोन है वो आपके हाथ से गिर जाए। सबसे पहले बॉटम साइड से, मान लीजिए आप फोन पर बात कर रहे हैं और बात करते समय आपका फोन आपके हाथ से गिर जाए, छूट जाए, तो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा देखते हैं हमारे इस टेस्ट में। Realme 5i का ये ड्रॉप टेस्ट चल रहा है। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कार्ट में जाकर के। अभी तक आपका फोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, डिस्प्ले पर कोई भी समस्या अभी तक इस तरह की नहीं दिखाई दी है, लेकिन हम मेन टेस्ट की तरफ जब बढ़ेंगे देखेंगे स्क्रीन वाले टेस्ट में। अभी हम अपर साइड से इसको एक बार गिरा लेते हैं, देखिए अभी भी काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अपर साइड अभी ठीक काम कर रहा है। और जो देखने वाली बात है कि जब इसका इंपैक्ट हो रहा है तो पॉलीकार्बोनेट का जो फ्रेम है उसकी वजह से, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम होने की वजह से ये बाउंस कर जा रहा है। और बाउंस करने के बाद में जो इसका, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, इसकी जो स्क्रीन है वो यहां से थोड़ी सी निकल गई है, लेकिन इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टेस्ट को झेल पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा इसमें। चलिए हाइट बढ़ाते हैं और हम चलते हैं 5 फुट हाइट की तरफ। हाइट बढ़ाते हैं और आप अगर बात कर रहे हैं और कैमरे की साइड से अगर आपका मोबाइल गिर जाए तो कोई भी कैमरा का ग्लास भी ब्रेक नहीं हुआ है, कोई भी डेंट अभी इस तरह का नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन भी प्रॉपर काम कर रही है, स्क्रीन इसकी प्रॉपर काम कर रही है। मैं एक बार फोकस करके आपको कैमरे को नजदीक से दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इसका फाइनल ड्रॉप टेस्ट हम करते हैं। यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं और बात करते समय आपका मोबाइल स्क्रीन साइड से अगर गिर जाए तो उस समय आपका फोन सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना यह 8999 में बजट सेगमेंट में आने वाला फोन है और कंपनी ने कोई भी गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन इस पर नहीं बताई है कि कौन सा ग्लास वो इसमें यूज करें। एक तो बताया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया है कि कौन सी कैटेगरी का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इन्होंने यूज किया है। फिर भी लास्ट टेस्ट है हमारा, ये देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हालांकि पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है, लेकिन हम दो चीजें देखेंगे कि अभी तक की इसकी स्क्रीन ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट, क्या आप तैयार हैं? चलिए आप बात कर रहे हैं, बात करते समय अगर आपका फोन स्क्रीन की साइड से गिर जाए तो आपका फोन बचेगा या नहीं बचेगा। ओहो, बाउंस कर गया है, ठीक है, स्क्रीन के मामले में तो मजबूत है। तो दोस्तों आपने देखा ये था Realme 5i का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। वैसे तो हमारे ज्यादातर टेस्ट में ये पास हुआ, लेकिन जो मेन इसका टेस्ट था वो था जिसमें ये फेल हुआ, इसका स्क्रैच टेस्ट। इसके ग्लास पर जो इसका स्क्रीन ग्लास था उस पर भी इसके स्क्रैच आए, और जो इसके बटन्स थे, जैसे कि आपने देखा ये इसका वॉल्यूम बटन जो था, वॉल्यूम बटन इसका जब हम इसका स्क्रैच टेस्ट कर रहे थे तो निकल गया था। दोस्तों स्क्रीन इसकी मजबूत है, आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्रैच के मामले में थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ है। अगर आपने हमारा अनबॉक्सिंग नहीं देखा है Realme 5i का तो आप एक बार देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ड्यूरेबिलिटी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।